ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರೋಕ್ತ ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಪ್ರೇಮ ಸಂವದತಿ ವರಿಷ್ಠ ಸಾಧನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಮ ಪರಮ ಆಕರ್ಷಕ ಮಂತ್ರವತ್ ತಹಿ ಮನ್ನತಿ ಭಕ್ತ ಫಲಂ ತತ್ ರಸಿಕ ಜನೈ ಭಗವತ್ ಪ್ರೇಮ ಸಂಪದ ಸದೈವ ಅಭ್ಯಹಾರಿತ क्योंकि इस कलयुग में जितने प्रकार के भक्ति के अवलोकन में बताया गया तो सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन कलयुग में नाम संकीर्तन के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं वरिष्ठ साधन ये नाम संकीर्तन जो है अत्यंत जो है बलवान साधन भी श्रवण कीर्तन स्मरण आदि नवविधा भक्ति के बारे में कहा गया सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम कृष्ण पदे जितने प्रकार की साधन दिखाया गया नाम क्योंकि नाम हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ही चित्त स्थिर मिला श्रवण करने के लिए हम बैठे देखो उत्पत्ति कसाय ये पांच प्रकार जो है बार बार नींद कीर्तन अपेक्षा श्रवण में अधिक नींद आए और श्रवण अपेक्षा स्मरण में और अधिक जैसे गायत्री मंत्र आदि जप करते हैं जब कीर्तन करते हैं तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जिस पर जगाना है तो क्या करो जोर से नाम संकीर्तन करो भगवान के नाम के इतने बलिष्ठ है बोले गोविंद जिस प्रकार शेर के हुंकार सुन करके बड़े बड़े हाथियां क्या करते हैं जंगल से उसी प्रकार प्रभु के नाम के इतने बलिष्ठता श्रेष्ठता दिखाते गरीबों को ये नाम करने से हृदय में जितना भी वृत्ति रूपी काम क्रोध जितने प्रकार के अनर्थ नींद आदि वो अपने आप कह रहे इसलिए नाम संकीर्तन का है नाम संकीर्तन प्रोक्ता कृष्णस्य प्रेम संपदति और इन नाम के द्वारा हृदय में प्रेम इसलिए करे बलिष्ठ साधन कृष्ण परम आकर्षक मंत्रवत यह बलिष्ठ साधन है मंत्रवत वो आकर्षक करने सबके दुष्कृत करने तदेव मन्वन्ते भक्ते फलम तत् ऋषिके जने और ये नाम संकीर्तन कैसे करें ऋषिक जन के साथ ऋषिक जन के साथ में बैठ करके नाम संकीर्तन और भगवत प्रेम संबोधु सदैव अव्यवचारित और उसी प्रकार का व्यभिचारिणी भक्ति श्रद्धालु भक्ति निष्ठिक भक्ति और भगवत प्रेम इसी प्रकार साधक जब नाम करते जा रहे हैं और नाम करने के साथ ही साथ स्वाभाविक रूप में हृदय में उनकी ये समस्त इसलिए संदर्भ में भक्ति संदर्भ में कहा गया क्या जितने संपादन लिखा जितने प्रकार की भक्ति है जदुप्राणी तदुप्राणी करो नाम संकीर्तन कलयुग का नाम इसी प्रकार भजन रस में हम आजकल जो पहुंचे पंचम जन साधन में पांचवा जन साधन में अपरान्न कालीन भजन इसे आसक्ति कहा है मध्यान्ह कालीन भजन भी कहा जाते हैं रुचि क्योंकि साधक के हृदय में जितने रुचि उत्पन्न होते हैं रुचि क्या है रोचकत्व वृद्धि इति रुचि रोज रोज है रुचि होते हैं जिस प्रकार भूख लगने पर भोजन में हमें क्या लगते हैं रुचि और भोजन यदि हमने जठरादि की पाको
दो हाथ उसमें दोष देखते हैं। अनेक प्रकार सुस्वाद मिष्टान पकवान भोजन सामग्री आ जाए तो हम क्या करें उसमें दोष देखते हैं। नमक कम हो गया, नमक ज्यादा हो गया, देखो जब आपकी भूख नहीं लगेगा, भोजन तो अनेक प्रकार सामग्री आ गया किंतु आप दोष देखो। और जब भूख लगते हैं जैसे दो दिन आप मानो उपवास अत्यधिक उपवास के पश्चात तीसरे दिन जब कोई भोजन सामग्री आ जाए बिल्कुल आप वो नमक कम है ज्यादा है क्या है वो देखें, मरीज है कि नहीं है वो इसी के कहरे रुचिकत रुचि पदे पदे साधु साधु पदे पदे और प्रति क्षण क्षण में आनंद की लहरी ही देना। उसी प्रकार भगवत नाम में भी रुचि हो इसलिए रुचि वाला भक्ति कहा जाता है। ये रागों का भक्ति के एक नाम ही कहा जाता है रुचि वाला भक्ति कहा जाता है। कोई भी भक्ति में साधु की नहीं होता है उसके शासन शास्त्रों अनुगामी शास्त्र की डर से भय से वो करते हैं। और रागानुगा भक्ति वो सहज रूप में और उच्च इसमें दिन का दो प्रकार की श्रद्धा और भक्ति है। एक वैदिक श्रद्धा वैदिक भक्ति और एक रागानुगा श्रद्धा और रागानुगा भक्ति। वैदिक भक्ति जो है वैकुंठ की तरफ ले जाती है और रागानुगा भक्ति रागानुगा श्रद्धा आदि ये धीरे धीरे वैकुंठ के पार करके अयोध्या अयोध्या के पार करके कहाँ ले जाते हैं और तारिका तारिका के पार करके मथुरा मथुरा के पार करके कहाँ चले जाते हैं गोलोक वृंदावन। और गोलोक वृंदावन में इतने सुंदर प्रस्फुटित प्रलभित पुष्पित और फल वहीं पर लग जाते हैं। कोई फल जब लग जाते हैं और फल परिपक्व होकर के फिर नीचे आ जाते हैं माली परे प्रेम भवन काफी परे माली परे आश्चर्य चेतन चेतन महापुरुष हैं। देखो साधक यहाँ पर बैठे हुए और उनके भक्ति लता कहाँ चलेगी गोलोक वृंदावन और गोलोक वृंदावन में वो पल्लवित पुष्पित होकर के और सुंदर फल लग गया वो फल जब पक जाते हैं साधक यहाँ पर बैठ करके आश्चर्य ये है क्या साधक इतने समान यही नाम से कीर्तन के द्वारा साधक के हृदय में अपने धीरे धीरे भावों के उद्गार प्रकाशित होते हैं और अपने स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है। क्योंकि रुचि दशा में जितने रोचक बढ़ते जा रहे और अनर्थ उतने परिमाण नाश जितने अनर्थ नाश हो जाए उतने ही हमारे स्वरूप की ये इसमें रुचि रुचि भी दो प्रकार की दिखाई है। एक होता है क्या वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी और ये होता है वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणी। वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी के तात्पर्य है जैसे ठाकुर जी के सुंदर रूप में कोई दर्शन करे विग्रह दर्शन करते हुए देखा देखो कितना ठाकुर के कितने अलंकार के द्वारा सुसज्जित किया वो दर्शन कर दिया और दर्शन करते करते भाव में डूब जाते हैं। जिगल किशोर किशोर के चरण कमल से दर्शन करते हुए नानी कमल नानी करते भक्त स्तर भक्त के मुख कमल दर्शन करते फिर पुनः चरण कमल में ओंकार के मुख की दर्शन हो जाए। क्योंकि आज ठाकुर जी इतने सुंदर सजे हैं जैसे उपवास करने के लिए आपने दर्शन किया राधे के चरण कमल और उस दिन ठाकुर जी इतने सुंदर वस्त्र के द्वारा सुसज्जित अलंकृत किया आप देख सकते हैं। इसलिए रुचि मन क्या वस्तु वैशिष्ट वस्तु उसमें लगा हुआ है क्या क्या अलंकार आदि के द्वारा सजाया के सलाम से लेकर के चरण की नूपुर से लेकर के और अनेक और उसी ठाकुर के यदि देखो जिसका साधु में नहीं पूछ पहुंचे हैं वो कहेंगे हम तो आज अच्छा नहीं लगा किंतु जब कोई साधु ऐसे उचित स्थान पर चले जाते हैं किसी अलंकार में ठाकुर जी के
सुसज्जित कार्य और ना करें उसको तो फेंकी देते हैं कि भाव पे टूट जाए इसका तो मैं जब सो है जैसे वो हमारे कवि है सुरदास है उनके जो सेवक जो है ठाकुर के सुंदर रूप में सजाए और कहने लगे आप बताइए ठाकुर क्या कैसे लग रहे हैं बहुत सुंदर एक कपड़े पड़ा है ऐसे से बन रहा तो उन्हें उनके सेवक सोचने लगे किसने श्वेत आज बोल दिया ये ठाकुर जी की एक अलंकार और दूसरे दिन ठाकुर जी के बिल्कुल वस्त्र नहीं रख सके वो तो हमने से पूरी कहने लगे सुदास के सुदास मने अंदर को भी पहले जी का आप बताओ ठाकुर जी का तुम महिमा माना ठाकुर जी आज कैसे कैसे सिंगार किए और सुदास ने क्या कहा आज भोया इसलिए गुरु जी की श्री कहा जाता है कोई वस्तु वैशिष्ट अपेक्षा नहीं कहा जाता है कोई वस्तु की अपेक्षा नहीं करते हैं सब ऐसे साथ में और यही साधन आगे बढ़ते बढ़ते जब आसक्ति में पहुंच जाते हैं आसक्ति में जब साधक पहुंच जाते हैं और सर्वज्ञ की उपलब्धि हो जाती है और सर्वज्ञ की उपलब्धि होने के नाम के साथ साथ वो प्रभु की अपने स्वरूप के द्वारा ही जीवन में अपनी भजन साधन आप कृपा करके अपने संत को दर्शन दीवा रात्र रोते रहते हैं और भगवान की आसक्ति यह असत्य में दो प्रकार की हो जाता है सबसे अच्छे है एक होता है असत्य किसको हो जाता है एक भजन में असत्य और भजन में रुचि हो जाता है देखो उल्टा हो जाता है भजन में रुचि बन जाता है और भजनीय वस्तु में असत्य भजन में रुचि नाम भजन में सेवा भजन में सेवा ये सेवा में इतने रुचि बन जाए ना सेवा हम कर रहे हैं इसलिए कहते हैं भजन में रुचि और भजनीय वस्तु में आसक्ति अपने इष्ट देव में इतने आसक्त आसक्ति हो जाता है तो देव का देव साधक प्रसन्न अपने गुरु के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति बन जाता है भगवान की इच्छा भक्त में और आसक्ति बढ़ जाती है उनके बिना एक क्षणकाल रह नहीं सकता क्योंकि भजन की रीढ़ हमारे गुरु वैष्णव ने कर रहा है गुरु वैष्णव के प्रति हमारे जितने भी इच्छा को शिक्षा को और अथवा वैष्णव के प्रति इतने आसक्ति बन जाता है और क्योंकि वो उससे लिए आभारी रहते